पहले से कहा है मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ, ना मैं कभी था ना आज हूँ। इधर मध्य प्रदेश चुनाव के लिए वोटिंग हो रही थी, उधर ज्योतिरादित्य ने साफ कर दिया कि वो सीएम की रेस में नहीं है। सिंधिया ने तो एक कदम आगे बढ़कर यहाँ तक कह डाला कि ना वो सीएम की रेस में तब थे और ना अब हैं। आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा है, 2013 में भी, 18 में भी और आज भी पूछ रहे हैं। तीनों बार मैंने कहा है कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ। ये रेस कुर्सी का नहीं है, ये रेस विकास का है, ये रेस प्रगति का है और ये रेस जनता का विश्वास सुनिश्चित रखने का है। कुर्सी का रेस कांग्रेस की। दरअसल ग्वालियर में सिंधिया वोट डालने गए थे, इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और मुख्यमंत्री पद के दावेदार होने के तमाम अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। सिंधिया ने आगे कहा, इस रेस में मैं न कभी था और न आज हूँ। मुझसे तीनों बार पूछा गया, साल 2013 में, साल 2018 में और आज भी। तीनों बार मैंने कहा है मैं सीएम की रेस में नहीं हूँ। चलिए सिंधिया की इस बात पर यकीन कर भी लिया जाए, लेकिन वो पहले भी सीएम की रेस में नहीं थे तो ये सवाल है कि आखिर सिंधिया ने उस वक्त पार्टी से बगावत क्यों की थी? तब कमलनाथ की सरकार की नैया डुबोकर इतना बड़ा सियासी बवाल क्यों मचाया था? खैर, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछले लगभग 2 दशकों से पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाए रखा है। शिवराज सिंह चौहान इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट नहीं किया है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी इस बार मुख्यमंत्री बदल सकती है। वहीं बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को इस बार विधानसभा चुनाव में उतारा है, जिसके चलते भी इस तरह के कयासों को और हवा मिल गई है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान के विकल्प के तौर पर जिन चेहरों को लेकर चर्चा है, उनमें पार्टी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी महासचिव प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री का भी नाम शामिल है। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल है, लेकिन सिंधिया ने इस तरह की अटकलों से खुद को अलग कर लिया है।